अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. ओके, सो मैं मौजूद हूँ अभी पार्कवे सिटी इस्लामाबाद की एंट्रेंस पे. मेरे साथ मौजूद है पार्कवे सिटी इस्लामाबाद की सीनियर सेल्स मैनेजर कैकशा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. और हम दोनों जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम दोनों जा रहे हैं पार्कवे सिटी इस्लामाबाद की साइट की टूर पे, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग साथ में एक्सप्लोर करना चाहते थे. शी वॉन्टेड टू एक्चुअली शो मी अराउंड, तो आई डिसाइडेड क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं और आप लोगों से भी वो सारी डिटेल्स शेयर करें जो हम लोग अभी खुद देखने वाले हैं. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द टूर. चले हमारी. हाँ प्लीज स्टार्ट. जी हमारी है कि अभी हम पार्किंग में इधर हुए हैं. जैसे हम पार्किंग में इधर होते हैं तो देयर इज अ फर्स्ट राउंड अबाउट. यहाँ पर दो एक्सेस यू कैन सी. एक तो एक्सेस जो आप जो हमारा पूरी रोड है उससे आप डायरेक्ट आ रहे हो, और ये हमारी रोड है जो मलोट रोड की तरफ निकलती है. ठीक है. सो दिस बोथ एक्सेस कैन बी यूज, आपकी मर्जी है. आप पूरी रोड से डायरेक्ट टर्न लेते हो, आप मलोट रोड वाली साइड से आ जाते हो, ये यहाँ आगे दोनों रोड मिल जाती है. ठीक है. आपको सामने हेलमेट का काम नजर आ रहा होगा हमारे यहाँ. जितना भी एरिया जिस पे आपको डेवलपमेंट का काम नजर आ रहा है, जो थोड़ा लाइक ग्रीन भी नजर आ रहा है आपको, उसपे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और सारी की सारी वो लैंड जो एरिया जो पार्किंग व्यू ऑन कर रहा है उसपे पार्किंग पोजेशन. दैट्स व्हाई वी कैन ऑब्वियसली स्टार्ट कंस्ट्रक्शन. ऐसे कोई नहीं करने देता. 100%. अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा हमारे आगे जाके जूम करेंगे ना मेरे लिए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना कि पार्कव्यू की बाउंड्री कौन सी है. मैंने इसको काफी जूम किया है, यू कैन एक्चुअली टेल मी. ओके, हम थोड़ा सा और इसके करीब चले जाते हैं सो दैट वी कैन शो द बाउंड्री इजीली. ये जो आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, ये बोटेनिकल गार्डन है आपका, और वो अगर जो आप हमारे व्यूअर्स है वो दे कैन सी कि ये जो पिलर्स वाइट वाइट से ग्रीन एरिया में उनको नजर आ रहे हैं, जो पिलर्स से बने हुए व्हाइट कलर के, ये बेसिकली बाउंड्री वॉल है जो कि पार्कव्यू की ओनरशिप की जो लैंड है, पार्कव्यू की जो लैंड है उसको सेपरेट कर रही है विद अदर लैंड. ठीक है. विद बोटेनिकल गार्डन. तो बोटेनिकल गार्डन जो मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ, बोटेनिकल गार्डन इज बेसिकली जो होगा वो मनीष भाई सीडीओ होगा, वो सीडीए के अंदर आता है, और वो हमेशा ग्रीन गार्डन है. वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. तो ये जो ग्रीन ब्यूटी आपको नजर आ रही है पार्कव्यू के साथ, वो हमेशा ग्रीन रहने वाली है. Perfect. तो जो हम हर जगह पे बार बार कहते हैं ना कि बोटेनिकल गार्डन है, ग्रीन होगा, तो जिन लोगों ने अभी तक पार्कव्यू विजिट नहीं किया, दे कैन सी कि वो किस तरह ग्रीन होगा. ये ऑब्वियसली अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कटिंग चल रही है, तो आपको ये एरिया ग्रीन नहीं है, लेकिन आप प्लांटेशन देख सकते हो. इनकी साइड पे जो प्लांटेशन है, कटिंग की साइड पे प्लांटेशन जो हो चुकी हुई है, वो हम इसको दोबारा से कटिंग करके रोड्स वगैरह बना के, तो हम स्टेप्स बना रहे हैं. आपके जितने भी जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो हाइट पे होते हैं, वहाँ पर आपका होता है लैंडस्लाइडिंग का खतरा. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है. तो लैंडस्लाइडिंग को खत्म करने के लिए हम उस पहाड़ को स्टेप में काटते हैं और उसके ऊपर प्लांटेशन कर देते हैं, सो देट यू कैन स्टॉप लैंडस्लाइडिंग. ठीक है. तो ये आप वो सारी चीजें इस साइड पे भी देख सकती हैं. मेरे लेफ्ट साइड पे जो है, ये यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, हम जल्दी उसका आपको बताएंगे भी. ये अभी हमने डेवलप किया. हमारे राइट साइड पे अगर आप यहाँ से दिखा सकते हो, बहुत खूबसूरत सा व्यू है. ये हमारा डाउनटाउन है. तो जैसे ही हम अपने पार्कव्यू में इंटर होते हैं, सबसे पहले जो हमारा एरिया आता है वो हमारा डाउनटाउन है. ठीक है. अभी हम डाउनटाउन के अंदर जाके भी क्लाइंट्स को दिखाते हैं. और अगर हम यहाँ सामने देखें मारिया, तो सामने जो आपको पार्कव्यू का बोर्ड नजर आ रहा है, अगेन आपको वो बड़ा क्लियर यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि बोटेनिकल गार्डन कौन सा और पार्कव्यू कौन सा है. वो जो व्हाइट लाइन आपको नजर आ रही है ना, वो लाइट व्हाइट लाइन भी इस तरह पार्कव्यू है, व्हाइट लाइन की उस साइड पे बोटेनिकल गार्डन है. मतलब बेसिकली इस साइड पे ये वाला जो व्हाइट बाउंड्री सी है, या This is actually separating the botanical gardens from parking, exactly, right? Exactly. ये वो देखिए तो सामने वो forest है. जी. ये जो बीच में empty space है, what is that? Which one? ये parking है, ठीक है? हाँ. और ये यहाँ पर greenery है. ये सारी greenery यहाँ पर, इसको अभी हम develop करेंगे. यहाँ पर हम different projects को launch करेंगे. अच्छा, ये बीच वाला जो हिस्सा है. हाँ, ये बीच वाले हिस्से को ये सारा अभी हम यहाँ पर कुछ plan चीजें प्लान है, लेकिन अनाउंस नहीं कर सकते. जैसी चीजें अनाउंस होगी तो यहाँ पर भी आपको काफी चीजें जो है वो ऑब्वियसली नजर आएगी. ओके, इस रोड को हम, ये रोड जो है हमारी, ये लिंक करके डी ब्लॉक से, ठीक है, डी ब्लॉक और ई ब्लॉक की तरफ जाने के लिए ये वाली रोड लिंक वाली रोड ले सकते हैं, जो कि दूसरी साइड में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम पहले क्योंकि कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ से मुड़ जाएंगे. पहले हम डाउनटाउन कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं. डाउनटाउन कमर्शियल की पहले तरफ जा रहे हैं. आप डाउनटाउन कमर्शियल में यू कैन सी द
डेवलपमेंट आप देखें कि यहाँ पर हमारे काफी ज्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं, और डाउनटाउन कमर्शियल का 3D मॉडल हमारे उस वक्त सोसाइटी ऑफिस में अवेलेबल है, आप उसको भी शूट कर सकते हैं फॉर द कस्टमर्स, सो दे कैन सी के ये जो चीजें यहाँ पर बनने का था वो पता भी होना चाहिए मेक अ वीडियो ऑफ दैट एज वेल, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर, डाउन टाउन कमर्शियल बनने क्या जा रहा है. बहुत मतलब आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज व्हेन आई सॉ इट कि उसके जो कितना एक तो उसका साइज में ओवरऑल और जिस तरह लैंड है और जिस तरह से उसको बनाया जा रहा है, इट विल बी समथिंग अमेजिंग. तो आई थिंक वो मैप के थ्रू ज्यादा समझ आता है कि विजन क्या चल रहा है, विजन क्या है इसके पीछे. हमारा पूरा कमर्शियल है, हमारी बहुत सारी पहली कमर्शियल है, ठीक है. जी व्यूअर्स, ये देख लीजिए, ये कमर्शियल का ये है सारा, फ्रंट पे, साइड्स पे, हर जगह. ये आगे हमारे जो है ये एरिया, ये हमारा वॉक का एरिया शुरू हुआ, वॉक का एरिया, ठीक है. हम फिर वापस टर्न लेंगे, ओके, सो देट हम कम टाइम में, मेरे ख्याल में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कम टाइम में पूरी सोसाइटी दिखा दें, ताकि बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी वीडियो देख सके. फर्दर अगर जो है विजिट करता है तो यू आर मोर देन वेलकम टू टेल अस, आपको यहाँ पर प्रॉपर विजिट करवाया जाएगा, जौन से कोने खुदरे में जाना चाहे आपको लेके जाएंगे. बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है. अच्छा, ये सेंटर में बिल्कुल आप ये देखते हो, वो जो सेंटर है ये बेसिकली आपकी लेक बनने जा रही है. हाँ. पूरा सर्कल है, आप जब आके इस एरिया को देखोगे, ये इवन हाइट पे जब इस खड़े होके इस एरिया को देखोगे ना, जब हम डी ब्लॉक में जाएंगे पूरा हाइट पे खड़े होके पूरा दिखा देंगे जूम करके. डन. सो दे कैन सी कि ये जो पूरा हमने सर्कल एक मैप पे शो कर रहे हैं, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका हुआ है. ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया. अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए, ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस टाइम पे. एंड एक्चुअली जस्ट लुक एट द क्लाउड्स राइट नाउ, मतलब फोन पे तो एक कुछ अलग ही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यू नो आसमान के अंदर से बीच में से लाइट, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट आई हैव नॉट सीन इट बिफोर. आपकी आंख देख रही होती है, तो आप जब आगे वो देखते हो, इस चीज को विटनेस करते हो कि कितना खूबसूरत है. बिल्कुल ऐसे ही, ओके. और अभी पता है, लकीली अलग इधर से मौसम अच्छा हो गया, सो दैट वी कैन एक्चुअली. जब हम आए थे तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, वी वर डाइंग, बट नाउ जस्ट अब हम जा रहे हैं, आई बिलीव वी आर गोइंग टू एच ब्लॉक. पहले एच ब्लॉक, हम नीचे वाले एरिया थोड़ा सा ये कवर करके देन वी गो जो हमारे डी ब्लॉक और ई ब्लॉक है, हम उस एरिया पे जाएंगे, ठीक है. पहले हम या फिर हम ये कर सकते हैं कि वी कैन गो ऑन डी ब्लॉक. उसका बेस्ट पार्ट ये है कि डी ब्लॉक पे खड़े होके वी कैन शो द एच ब्लॉक, हमारा एच ब्लॉक है अप टू मारियम. बट यू से यू वॉन्ट टू विजिट एच ब्लॉक यहाँ पे जाके, यू वॉन्ट टू गो अप जब क्रॉस किया जो लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे अभी लेफ्ट साइड पे हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट हो चुके हैं, और हमारे राइट साइड पे जो है एच ब्लॉक है. यहाँ पर हमारी ट्रांसफर, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज, ट्रांसफर ऑफिस भी है हमारा, अकाउंट्स ऑफिस भी इधर ही है. आपको कोई भी इश्यू है आपने इस ऑफिस में आना है, फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट भी हमारे यहीं पर बैठे हैं. अच्छा, जैसे आप ऑफिस को क्रॉस करते हो, देन यू कैन सी द फूड कोर्ट जो कि बहुत जल्दी ऑपरेशन होने जा रहे हैं. फूड कोर्ट इज कम्प्लीट, और बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अमेजिंग वाइब है. ये भी हम ऊपर हाइट पे जाके पूरा अपने व्यूअर्स को अमेजिंग अमेजिंग, और व्यू इतना खूबसूरत है इसका कि अगर मैं मनाल तक नहीं जा सकती हूँ तो मैं यहाँ तक आ सकती हूँ. अच्छा, अभी सामने मुझे जो नजर आ रहा है वो ये अगेन बात है, कैमरा नहीं जस्टिफाई कर सकता. हाफ क्लाउड्स दे आर कवर्ड इन सन, हाफ आर डार्क, हाफ आर ग्रीन, आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. लेकिन ये इट लुक्स अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लग रहा है. आधे हाफ उस पर लाइट है, आधा अंधेरे में है, आधा उसके ऊपर आई डोंट नो, उसके ऊपर चार कलर्स के मुझे सामने माउंटेन्स नजर आ रहे हैं. ये हमारी राइट साइड पे भी टर्न ले रही थी, हमारे राइट साइड में ये मस्जिद है, ठीक है. इस पर काफी तेजी से आप देख रहे हैं काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये कम्प्लीट हो जाएगी. और हमारे बिल्कुल सामने जो हमारी इस वक्त नजर आ रही है, हमारा बी ब्लॉक है, ठीक है. ये हमारे बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में भी आप क्लाइंट्स को हम आगे जाके दिखा भी सकते हैं, यू कैन शो देम कि
काफी ज्यादा घर बन चुके हैं यहाँ पर। तो ये हमारा वो ब्लॉक है, ए बी ब्लॉक, हमारे वो ब्लॉक से जहाँ पर हमारी काफी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है एंड दे आर लिविंग देयर, सो दैट इफ समवन हैव एनी क्वेरी के फैसिलिटीज क्या है और लाइफ पॉसिबल है भी नहीं, तो ऑब्वियसली यू कैन कम, आपका घर बनाते हो अपना तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो, आपको बेसिक अमेनिटीज सारी वहाँ पर मिलेगी। अच्छा, हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गया फिलहाल हम डी ब्लॉक पे जा रहे हैं, सो देट वी कैन शो जो हमारा एफ ब्लॉक है उसको हम दिखा सकें, और उसके बाद एफ ब्लॉक को दिखाने के बाद वी विल शो देम फूड कोर्ट ऊपर से हम न्यू एरिया जो है वो भी दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके मानिए, तो राइट नाउ वी आर इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है दिस इज अ फैशनेबल ब्लॉक, इसमें सिर्फ दो किनार के प्लॉट्स अवेलेबल है, और दो किनार के प्लॉट्स जो है 25% डाउन पेमेंट पे यू कैन गेट पोजीशन एंड यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, और एक महीने का पेमेंट प्लान है इसका। ठीक है, यहाँ पर हम गाड़ियाँ पूरी रुकेंगे, और अगर हम व्यूअर्स को दिखा सकें कि ये नीचे हमारा फूड कोर्ट है। ठीक है, और वाओ, अच्छा व्यूअर्स अभी बारिश होना शुरू हो गई है, बट आई थिंक लेट्स जस्ट ट्राई टू डू दिस, या हाँ, अगर हमें ये हमारा थोड़ा सा और ज़ूम इन करूं, या हाइट से समथिंग लाइक दैट, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, और बारिश की वजह से अगर हम सामने दिखाएं तो ये सामने हमारे एबी ब्लॉक नजर आ रहा है, और ई ब्लॉक का भी व्यू आप देख सकती हैं सर। हाँ, लाइक नो क्या हमें क्या व्यू मिलता है अगर हम ई ब्लॉक में घर है, और मैं अपने घर के इवन टेरेस पे हूँ, नो ना कहीं पर भी हूँ, तो मुझे व्यू क्या मिलता है, मतलब माउंटेन्स एंड ग्रीनरी एवरीथिंग। और ये नहीं कि सिर्फ ये दिन के टाइम का व्यू है, रात में इससे भी खूबसूरत व्यू होता है, बिकॉज ये जितने एरिया आपको लग रहे हैं ये सारा ग्रीन जो एरिया, उसके अलावा इसमें आप देखोगे रिवर फार्म हाउसेस का व्यू आ रहा है, इसमें बनीगाला के एरिया यू कैन सी, तो ये सब लाइट्स ऑन होती है, तो बहुत अमेजिंग लगता है। अच्छा, ई ब्लॉक जो ई ब्लॉक में हमारे जस्ट वन केनाल के प्लॉट्स हैं, ठीक है, और वन केनाल के जो प्लॉट्स हैं हमारे, ये अगेन पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, यू कैन कम, यू कैन बाय 25% डाउन पेमेंट, और मनी के इंस्टॉलमेंट प्लान है, देन यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन एज वेल। और ई ब्लॉक में भी आपने देखा कि यहाँ पर भी कुछ ग्रे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कम्प्लीट हो चुके होंगे, आप हाइट तक देख सकते हो, हाइट तक कोर्स बनी हुई है, अभी हम हाइट पे नहीं जा रहे क्योंकि हम अपने ब्लॉक्स पहले दिखा रहे हैं। तो ई ब्लॉक से हम निकलते हैं, मेन रोड पे आते हैं, एंड देन वी विल गो टू एफ ब्लॉक। लेफ्ट साइड पे एफ ब्लॉक आ रहे हैं एंड राइट साइड पे हमारे ई ब्लॉक आ रहे हैं, यू कैन सी द व्यू,
हमारे ब्लॉक में हम यहाँ से आते हैं। यहाँ पर हमारे पास सुपर टेरेस पे जो प्लॉट्स हैं लाइक टू किनाल है, वन किनाल के प्लॉट्स हैं, और दो किनाल और वन किनाल के जो प्लॉट्स हैं सही भी हुए किसी भी लिहाज से डी और ई से कम भी होनी है, उससे ज़्यादा खूबसूरत भी है। बिकॉज आपके यहाँ पर इन प्लॉट्स की अच्छी चीज़ ये जो किनाल और दो किनाल के प्लॉट्स हैं, किसी का फ्रंट ओपन है, किसी की बैक ओपन है। और व्यू भी इतना खूबसूरत व्यू, और इसके बिल्कुल पीछे ये जो आपको नजर आ रही है बोटानिकल गार्डन है, ये भी बोटानिकल गार्डन है। इसको टर्न करेंगे, ये हमारे हम जो अभी जिस रोड पे हमारे टेरेस जो प्लॉट्स हैं उसकी रोड पे थे हम, अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे जहाँ पर हमारे 5 मरला और 10 मरला के भी प्लॉट्स हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक में हमारा एफ ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक जहाँ पर हमारे पास हाइट के ऊपर 5 मरला 10 मरला के प्लॉट्स हैं। जो है फील है वो भी ले सके कि डे टाइम में पार्क में कैसा लगता है, और मीन मेल जब तक वो अपने विजिट करके निकलने के लिए जाने के लिए निकल रहे हैं तो वो नाइट व्यू को भी इंजॉय कर सके, रात में पार्क में कैसा लगता है। तो आपके इस चैनल को इस प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप इवनिंग में आए सो दैट यू कैन एंजॉय बोथ व्यू, इवनिंग एंड नाइट, नाइट डे एंड इवनिंग, वो एक पीक टाइम ऑफ ब्यूटी होता है। इवनिंग इज लाइक दैट, ब्लॉक इज कम्प्लीट। यहाँ पर हमारे पास 5 मरला के 10 मरला के कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है, वेरी फ्यू प्लॉट्स जो कि हमारे पास अवेलेबल है। यू कैन सी यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है क्योंकि हमने इसको कुछ ऐसा पहले ही पोजीशन हैंड ओवर किए। ठीक है, ब्लॉक इज रेडी, ब्लॉक इज रेडी, और यहाँ पर इस टाइम पे 5 मरला और 10 मरला 5 मरला 10 मरला के प्लॉट्स अभी अवेलेबल है फॉर बुकिंग आप लोगों के पास, पोजीशनेबल मौजूद है इस टाइम पे इस ब्लॉक में, आप लोगों को दिखाते चलो, ये पोजिशनेबल एरिया है सारा। ठीक है, ये है एफ ब्लॉक और ये प्लॉट्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं फॉर बुकिंग एज वेल, आप लोग आकर बाय करके जो है फ़ौरन से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा सकते हैं। थोड़ी सी बारिश हो रही है सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक मतलब आप लोग ये भी नज़र आ जाए, मैंने विंडोज़ नीचे करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली एफ ब्लॉक। ठीक है, और आप लोग जो है उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट, आप लोग इस्लामाबाद के जो ब्लू एरिया में ऑफिस है पार्किंग सिटी का डायरेक्टली वहाँ भी जा सकते हैं, एंड मिस कक्षा शी विल बी देयर टू असिस्ट यू ऑल एज वेल। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं एवी ब्लॉक में। अच्छा, मैं ये दिखाना चाह रही थी कि आप व्यू देखें कि ये 5 मरला और 10 मरला के एरिया में अवेलेबल है, और यू कैन सी द व्यू। बिल्कुल बिल्कुल, एफ ब्लॉक की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर आपको 5 मरला का भी बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। हाँ, बाकी ब्लॉक्स का व्यू है लेकिन ऑब्वियसली एफ ब्लॉक इतना खूबसूरत नहीं है। आई पर्सनली रियली लव एफ ब्लॉक। यस, वो कॉटेजेस जो है व्हाट इज दैट? इट लुक्स लाइक अ कॉटेज। या, वेरी ब्यूटीफुल कॉटेज। ये हम इसको रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन ऑब्वियसली इवेंचुअली हमने इसको रिमूव करना है, यहाँ पर हमने काम करना है। I understand. So, अगर पार्किंग ये मुझे दे दे तो मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। अच्छा, ये हमारे ई ब्लॉक है और ये हमारा एफ ब्लॉक है। ठीक है, अभी हम चाह रहे हैं ए और बी ब्लॉक की तरफ, जो कि हमारे सबसे पहले ब्लॉक थे जिनको हमने बाहर स्टार्ट में हमने ए बी ब्लॉक को फर्स्ट लॉन्च किया था। हम वो दिखाने जा रहे हैं, ये भी हमने जितना एरिया जितने डी ई ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, ए बी ब्लॉक हो गया, ये हमने इनिशियली स्टार्ट किए। फिर उसके बाद हमने जे ब्लॉक लॉन्च किया था, देन वी लॉन्च ओवरसीज ब्लॉक, एच ब्लॉक, फिर हमने उसका। अच्छा, आपका जो ए बी ब्लॉक था पार्कव्यू का, उसको बिफोर टाइम डिलीवर किया गया था जहाँ तक मुझे याद है, और ये सारी चीजें उसको हमने यू कैन सी कि
उसको ब्लॉक को हमने तकरीबन तैयार करके उससे बाहर सेल करना शुरू किया था। हाँ, ये हमारा बी ब्लॉक है, ठीक है, है? और ये हमारे टेरेस अपार्टमेंट्स है। टेरेस अपार्टमेंट्स के ऊपर यू कैन सी द डेवलपमेंट, ये कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से चल रही है। और टेरेस अपार्टमेंट्स को भी हम सेल नहीं कर रहे हैं। अगेन सेल इस वजह से नहीं कर रहे कि पहले हम चाहते हैं कि अपना एक मॉडल अपार्टमेंट दिखाएं बना के, उसके बाद हम उसको बुक करना शुरू करेंगे। सो दैट कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा अपार्टमेंट कैसा दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हम इसकी बुकिंग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये टेरेस अपार्टमेंट्स की साइड है ना? Yeah. बैक साइड पे हमारे जो हम अभी क्रॉस करके आए आप लोगों ने देखा था। यहाँ पर कुछ घर बन रहे हैं, कुछ बने हुए हैं, ये भी है, यहाँ पर भी फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है। ये हमारे ए ब्लॉक के साथ हमारी लेक है, यू कैन से यहाँ पर अंदर अगर आप जाके देख दो, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इतना खूबसूरत लग रहा है। Can you see it also, like it looks amazing, like this is how painting is, like this is how clouds look right now. Exactly. Okay, अभी हम जा रहे हैं अपने overseas और J block की तरफ। Overseas and J block, yes, main thing that I wanted to see. And now we are and overseas area. So all those customers जो कहते हैं कि पता नहीं रोड की उस साइड पर चला गया, पता नहीं कहाँ पर चला गया, तो हम ए ब्लॉक से निकले हैं मारिया एंड वी आर ऑलरेडी इंटर्ड इन एफ जे एंड ओवरसीज ब्लॉक। हमारे लेफ्ट साइड पे जो आपको एरिया नजर आ रहा है जे ब्लॉक, ये जे ब्लॉक है, एंड यू कैन सी द व्यू। बिल्कुल, अभी हम ए ब्लॉक में भी ऑब्वियसली जाएंगे, वहाँ पर बिल्कुल। एंड व्यू के अलावा मुझे नहीं पता किसने ये चीज़ बोली है या क्या है कि दूसरी रोड की तरफ चला गया, अभी ए ब्लॉक में थे अभी जे ब्लॉक में है, लाइक इट्स जस्ट नॉट इवन सेकंड्स अवे, मतलब बिल्कुल रोड क्रॉस करिए सामने आ गए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये हमारे साइड पे राइट साइड पे जो आपको एरिया नजर आ रही है पूरा का पूरा हमारा ओवरसीज ब्लॉक है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर भी कुछ हाइट के पॉइंट्स पे हम जाकर दिखाएंगे, सो दैट वी कैन सी कि हमारे पास इस एरिया में लैंड कितनी अवेलेबल है। अच्छा, रोड जो है वो आप देख सकती हैं, दूसरी चीज ये आ जाती है कि आप ज्यादा इनोवेटिव होते जाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम यहाँ पर नई चीजें लेके आएंगे, हम यहाँ इस एरिया को ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे उससे। और लैंड हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ये जे ब्लॉक है ना? जे ब्लॉक में वी आर इन जे ब्लॉक राइट नाउ, ठीक है। व्यू ऑफ व्यू दिस बहुत खूबसूरत है, लाइक बहुत इट्स अमेजिंग, इट्स अ वेरी गुड। मैं हम जो कहते हैं सफर का फल मीठा होता है, तो रियली यहाँ पर आके आप रियलाइज करते हैं कि वाकई यार मेरे सफर का फल बहुत अच्छा था। इट्स ब्यूटीफुल, मतलब बहुत जबरदस्त है। Note down the date. Yes. आज 16 अगस्त है, आप नेक्स्ट वीक में आए, लाइक आफ्टर वन वीक एंड यू विल सी द डिफरेंस। लाइक एज अ लेमैन, आई एम लेमैन, मैं मुझे कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं एज अ लेमैन आती हूँ तो मुझे फील होता है। मैंने जो लास्ट विजिट किया था जिस दिन हमारा इवेंट था, ये उससे पहले जब मैं विजिट करके गई थी उसमें और आज की चीजों में मुझे आई कैन फील द डिफरेंस। तो डेवलपमेंट का काम यहाँ पर इतनी स्पीड से हो रहा है, इतनी तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है कि आप अगर आते हो और आप दोबारा नेक्स्ट वीक में दोबारा विजिट करते हो, यू कैन विटनेस द डिफरेंस। और उसके अलावा पता है एक चीज जो मैंने आप लोगों को बता दी, चलो व्यूअर्स, जब बारिशों का मौसम होता है ना सावन का, इट्स नॉट ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, आप लोगों को आपको डेवलपमेंट रोकनी पड़ती है। और उसके बावजूद भी मतलब ये एक चीज है जो हमेशा होती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी हो, या फिर जब इस तरीके से जो है बारिश हो रही हो, जैसे आप लोगों के सामने भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये कुछ भी नहीं है, बट इट रेन्स लाइक रियली हैवी एवरी डे समटाइम्स। तो आजकल ये मौसम एक आध हफ्ते की बात रहेगी, अब तो है
मौसम में भी, लेकिन ये कि उन चीजों को देखते हुए भी 2 महीने के अंदर इतना ज्यादा डेवलपमेंट का काम देखना जे ब्लॉक में बिग थिंग. सो आई एग्री विद यू ऑन दैट बिकॉज आई विजिट द साइट्स वेरी ऑफ्टन. तो वो मुझे पता है जो 4-4 साल से जो कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो बस है उनका सिर्फ इतना काम हुआ होगा शायद 4 साल में. लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये बुराई करने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जनरली उनकी पेस वर्किंग पेस बहुत स्लो है. सो आई नो दैट उस लिहाज से आई कैन एक्चुअली ऑल्सो से दैट कि आप सही कहेंगे. और अभी ये वाली जो है ये मैंने लाइन है ओवरसीज ब्लॉक आ गई है. अच्छा सामने है ना ब्लॉक सामने. अभी हम थोड़ा इसका ऊपर लेके जाऊंगी मैं, ठीक है, सो देट हम हाइट पे थोड़ा सा खड़े होके दिखा सके कि हमारे पास यहाँ पर लैंड कितनी ज्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइट पे खड़े होते हैं तो हमें हमारे डी ब्लॉक ई ब्लॉक वो एरिया भी सारा नजर आ रहा होता है. देन यू कैन सी जो हमारी न्यू लैंड है, तो वहाँ पर हमें खड़े होके अंदाजा होता है कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है. ये हम लोग आ चुके हैं ओवरसीज की, हम लोग थोड़ी सी हाइट पर लोकेशन पे, एंड वी वांटेड टू शो यू कि हाउ इट एक्चुअली लुक्स. यस, और ये आप देख रहे हैं ये जितना भी पीछे मंदिर साइड का सारा क्षेत्र, ठीक है, ये कहाँ तक आगे डेवलपमेंट हो रही है वो आप देख रहे हो. जहाँ तक एंड तक डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है वो पूरा एरिया पार्किंग के पास है. अगर आप उसको थोड़ा सा जूम करें तो वो पीछे आपको बाउंड्री नजर आ रही होगी, वो बाउंड्री जो उससे आगे आगे पूरा आपका पार्किंग सिटी है. अच्छा, यहाँ से इसको आगे जाते हैं तो ये कनेक्ट करने के लिए हम आगे इस वजह से नहीं गए थे कि वहाँ पर एक पानी के गुजरने का रास्ता है जिसको हम बहुत ऑब्वियसली ब्यूटीफाई करने वाले हैं और वो बहुत खूबसूरत लगेगा. और उसके ऊपर ब्रिज होगा जो कि कनेक्ट करेगा दूसरी साइड से. और ये जहाँ तक आपको डेवलपमेंट का काम नज़र आ रहा है एंड तक जहाँ तक आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी लैंड पार्किंग सिटी के पास है. जी सारी लैंड, ठीक है. और इस साइड पर अगर आते हैं तो आप थोड़ा सा आगे आते हैं अवेलेबल है. यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली गोल्फ स्टेट भी आएगा कहीं पर. हाँ, गोल्फ स्टेट की लोकेशन भी इसके बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, बट स्टिल इट हैजंट बीन रिवील्ड येट पब्लिकली, तो इसलिए वी विल नॉट शेयर, बट हमें तो पता है ऑफ कोर्स. एंड यू कैन सी द व्यू, यस इट्स ब्यूटीफुल, बहुत 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 खूबसूरत व्यू इसका. और अगर यहाँ से हम देखें थोड़ा सा वापस ऊपर आते हैं क्योंकि हम थोड़ा नीचे चले गए थे, तो यू कैन सी वो हमारा फूड कोर्ट है, वो हमारा सोसाइटी ऑफिस है. ठीक है, ये हमारा सी ब्लॉक है, ये जो आपको नजर आ रहा है. हाँ, तो देखिए ये पार्क है, ये है पार्क. यस, अच्छा व्यू ऊपर जो पैलेस टाइप से नजर आ रहा है वो बेसिकली सेल्स ऑफिसर का मेन ऑफिस, वो है फूड कोर्ट. ये फूड कोर्ट है यहाँ, और अभी हम काफी हाइट पे हैं तो इसलिए बस छोटा सा और दूर से नजर आ रहा है, बट वी हैव एक्चुअली अभी शोड यू दिस ऑल ऑफ दिस एक्चुअली. और ये पीछे आपको अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर आके खड़े हो तो यू कैन शो वो हमारे डाउनटाउन है, जो सामने डाउनटाउन के प्लाजा जो बिल्डिंग बनी हुई है ना स्ट्रक्चर, ये ब्लू कलर की जो है व्हाटएवर ब्लू कलर में जो है उसके पीछे जो है वो हमारा डाउनटाउन है. आप लोग देख सकते हैं कितना प्लेजेंट और कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे. काम छोटे छोटे से ट्रक्स नजर आ रहे हैं, आई ट्राई टू ज़ूम इन एंड शो यू, वो सारे छोटे छोटे से ट्रक्स हैं, वो सारे काम चल रहे हैं. तो व्यूअर्स ये है जे ब्लॉक फाइनली, जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते थे. ये जे ब्लॉक है, सॉरी ये ओवरसीज है जे ब्लॉक, वो सामने है, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, ये ओवरसीज है, वो सामने जे ब्लॉक है. और बीच में बस ये नीचे हम लोग अभी हाइट पे हैं ओवरसीज ब्लॉक के, यहाँ से नीचे जाएँ रोड के साइड पर वो सामने ओवरसीज सॉरी जे ब्लॉक और ये ओवरसीज है. ब्यूटीफुल लोकेशन. ओके व्यूअर्स, हम यहाँ पे हैं बिल्कुल इस टाइम पे सेल्स ऑफिस के बिल्कुल साथ, और हम यहाँ से आपको व्यू दिखाने वाले हैं एच ब्लॉक का, राइट? ये सामने हमारा एच ब्लॉक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो हमारा डाउनटाउन है. अगर हम इस साइड पे देखेंगे तो ये पीछे सारा सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक इंप्लीमेंट का काम हो रहा है, बहुत जल्दी इस पर भी पोजीशन लेने जा रहे हैं और फूड कोर्ट हमारा ऑपरेशन हो जाएगा. ठीक है, आई विल लव यू. यस,
सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी पार्किंग के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आपसे शेयर की हैं। आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कर्ड, हम लोगों ने जितना कवर कर सकते थे मैंने, हम लोगों ने कोशिश की हम करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वॉन्ट टू विजिट आप लोग हमें बता सकते हैं, वी आर ऑलवेज हेयर टू गाइड यू, विल ब्रिंग यू हेयर एज वेल। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज वेल। और अगर आप लोग डायरेक्टली चाहें पार्क व्यू का ऑफिस, पार्क सिटी का ऑफिस है ब्लू एरिया में, यू कैन गो मीट देयर स्टाफ ओवर देयर। मैम कह के शान, शी इज ऑल्सो देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, सो शी विल बी देयर एज वेल। आप उनसे भी किसी भी किस्म की बुकिंग्स के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो अगली दफ़ा तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अमानत.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल। मशवरा अमानत है।